हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 7th, सब्जेक्ट मैथ्स है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8th अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो व्यूइंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ ए सॉलिड, कि अलग अलग सॉलिड के जो सेक्शंस हैं उनको हम कैसे देख पाएंगे अगर हम उनके सेक्शन कट करते हैं। सो लेट्स प्ले। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो मेक क्ले मॉडल ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एंड कट इट वर्टिकली। तो आपको इस तरह से एक क्ले मॉडल बनाना है और आपको क्या करना है, इसको वर्टिकली कट करना है। देखो वर्टिकली ऐसे कट होगा ये, ठीक है। अगर आप इसके कितने भी पीस करोगे तो आपको जो है यहाँ पर क्या मिलेगा, ईच फेस ऑफ ए पीस इज ऑफ स्क्वेयर शेप लिखा है ना, यू विल गेट सेवरल पीसेस। तो आप जितने कट करोगे उतने पीसेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन हर एक पीस का जो फेस होगा कटने के बाद वाला फेस देखना है, ठीक है। आप इसको बना के इस पे एक्टिविटी भी कर सकते हो। तो कटने के बाद जो आपको फेस दिखेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा, और ये फेस किस जैसा है, ये एक स्क्वेयर शेप का फेस होगा। क्लियर, ईच फेस ऑफ अ पीस इज ऑफ स्क्वेयर शेप। नाउ दिस फेस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉडल। और ये फेस क्या कहलाता है, ये फेस जो है कि मॉडल का क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। नाउ थिंक इफ़ यू कट इट हॉरिजॉन्टली। अब सोचिए अगर आप इसको ऐसे की बजाय ऐसे काट दें, ये तो होता है वर्टिकली और ये होता है हॉरिजॉन्टली। तो आपने जो है इस पीस को ऐसे हॉरिजॉन्टली काट दिया, देन फेस ऑफ द ईच पीस इज ऑफ। अब आप सोचिए, ठीक है, एक 3D इमेज अपने जो है दिमाग में लेकर आइए कि अगर आप इसको ऐसे काटते हो तो ये आपको ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये क्या क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया रेक्टेंगल शेप। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नाउ लुक अराउंड एंड विजुअलाइज अ सॉलिड शेप नेम एंड ड्रॉ देम। अब आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, आपको उनको देखना है, नाम लिखना है कि वो किसके तरह हैं, कैसे किस तरह दिखते हैं, और उनके शेप आपको ड्रॉ करनी है। सबसे पहले जैसे आपको समझाने के लिए दिया गया है ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट जो है वो कुछ ऐसे दिखेगी ना, तो ये कौन सी शेप है, ये सिलेंडर शेप की दिखती है वो, और उसकी शेप कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट देखिए ऑरेंज, ऑरेंज जो है वो गोल है यानी स्फीयर शेप का है, ठीक है, तो हम इस तरह से उसकी शेप ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स कैसी होती है, मैच बॉक्स क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में हम इस तरह से क्यूबॉइड की शेप जो है वो क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है, ये क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया, तो ये शेप आप ड्रॉ कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको कैंडल दिया गया है, कैंडल में आप जो है क्या करेंगे, कैंडल आपको किस तरह से दिखती है, कैंडल सिलेंडर की तरह है, तो आप जो है इस तरह से सिलेंडर का जो शेप है वो ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट है डाइस, डाइस किसकी तरह है, डाइस क्यूब की तरह है, ठीक है। डाइस क्या है, क्यूब होता है ना, तो क्यूब की जो शेप है वो कुछ इस तरह से होगी और आपको इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आइसक्रीम कोन, तो ये कोन हो जाएगा और इस तरह से आप इसकी शेप को जो है ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू हैव अ वर्टिकल कट सेकंड हॉरिजॉन्टल कट टू द फॉलोइंग सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट दिया गया है, अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को वर्टिकल कट करते हो, हॉरिजॉन्टल कट करते हो, तो आपको क्रॉस सेक्शन वो कैसा दिखाई देगा वो आपको यहाँ पर बताना है। सो यहाँ पर देखिए अ डाइस, डाइस जो है अगर आप उसको वर्टिकल कट करते हो तो वो आपको स्क्वेयर दिखेगा, हॉरिजॉन्टल कट करते हो तो भी वो आपको स्क्वेयर दिखेगा। कैसे दिखता है वो हम देखेंगे, ये डाइस है आप इसको समझ सकते हो। देखिए जब हमने इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल कट किया तो ये जो फेस है, ये वाला फेस, ये किस तरह से है, ये फेस हमें स्क्वेयर दिखाई देता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वेयर हो जाएगा। इसी तरह जब हमने डाइस को वर्टिकल कट किया तो ये वाला फेस आपको देखना है, इसी को हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ये वाला फेस भी आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये वाला फेस भी आपको स्क्वेयर दिखाई देगा, तो इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए सेकंड है अराउंड एप्पल, एप्पल जो है उसको कट करेंगे तो हमें वर्टिकल कट में और हॉरिजॉन्टल कट में दोनों ही तरह से हमें कैसी दिखाई देगी, सर्कल दिखाई देती है।
यहाँ से आप देख सकते हैं एप्पल, एप्पल को हमने हॉरिजॉन्टल कट किया, तो इस तरह से ये जो फेस हमें मिला, ये जो फेस है ये कैसा है, ये सर्कल है। इसी तरह जब हमने इसको वर्टिकल कट किया तो हमें ये फेस मिला, ये भी कैसा है, ये भी सर्कल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्रिक। तो ब्रिक को जब हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट करते हैं तो हमें नॉर्मली क्या मिलता है, हमें रेक्टेंगल मिलता है। सो यहाँ से देखिए ये ब्रिक है, ठीक है, जो क्यूबॉइड होती है, और इस तरह से जब हमने ब्रिक को हॉरिजॉन्टल कट किया तो हॉरिजॉन्टल कट करने से हमें इसका जो क्रॉस सेक्शन दिखता है वो कुछ इस तरह से है। तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। इसी तरह देखिए बच्चों, अगर हमारी जो ब्रिक है उसकी हाइट और उसकी विड्थ इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, ये भी हमारे लिए एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। ये इसमें क्लियरली आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, ये रेक्टेंगल रहेगा। सो दोनों में ही क्या हो जाएगा, दोनों में ही रेक्टेंगल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सर्कुलर पाइप। तो सर्कुलर पाइप को जब हम वर्टिकल कट करते हैं तो सर्कुलर पाइप को वर्टिकल कट करने से ये देखिए, ये सर्कुलर पाइप है, इसको वर्टिकली कट करेंगे तो हमें कैसी शेप दिखाई देगी, हमें इस तरह से, और जो है ये इस तरह रेक्टेंगल शेप दिखाई देती है, और हॉरिजॉन्टल कट में हमें सर्कल शेप दिखाई देगी। देखिए यहाँ से आप देख सकते हो ये वाली शेप जो है ये इधर अंदर की तरफ क्या होगी, रेक्टेंगल रहेगी, और ये वाला फेस हमारा कैसा रहेगा, सर्कुलर जो है रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो है वो कोन है, तो कोन में भी आप समझ सकते हो, देखिए ये कोन है, कोन को जब हमने इस तरह से काटा तो हमें यहाँ पे ये स्क्वेयर जो सर्कल शेप दिखाई दी, और जब हमने इसको इस तरह से काटा वर्टिकली तो ये इस तरह से दिखाई देती है ऐसे करके, यानी ये क्या बनेगी, ये एक ट्राइंगल बन जाती है। तो यहाँ से आपको देखना है, देखिए एन आइसक्रीम कोन, तो वर्टिकल कट में जब हमने इसको वर्टिकली कट किया तो ये कैसी दिखी, हमें ट्रायंगल दिखी, और हॉरिजॉन्टल कट में ये हमें सर्कल जो है इसका क्रॉस सेक्शन दिखता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको जो दिया गया है, ड्रॉ ईच पिक्चर इन द करेक्ट सॉलिड शेप कॉलम। आपको हर एक पिक्चर को जो है एग्जैक्ट जो सॉलिड शेप कॉलम है उनके अंदर जो है ड्रॉ करना है। सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम इनके जो है नेमिंग कर लेते हैं, टू ये थर्ड है, फोर है, इस तरह से हमने इसकी नंबरिंग कर ली। अब इसके अंदर आपको ग्लोब दिया गया है, ग्लोब किसकी तरह है, ग्लोब स्फीयर की तरह है, तो इसके हम नंबर थ्री में बना देंगे। यहाँ पे आपको इसकी पिक्चर ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपको ये दिया गया है, ये पिरामिड की तरह है तो ये नंबर पाँच हो जाएगा। ये जो है क्यूब है तो ये नंबर वन हो जाएगा। उसके बाद ये बॉल दी गई है, ये नंबर थ्री हो जाएगा बच्चों, स्फीयर हो जाएगा। ये आपको जो है कुकम्बर दिया गया है, तो कुकम्बर आपका सिलेंडर हो जाएगा, नंबर टू। इसी तरह आपको ये जो लौकी दी गई है ये भी नंबर टू में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको ये पेपर दिया गया है, इसकी शेप कैसी है, सिलेंडर की तरह है ना, तो ये भी आपका नंबर टू में ही ड्रॉ करोगे। उसके बाद आपको ये देखिए बर्थडे कैप दी हुई है, तो ये भी किस में होती है, कोन में हो जाएगी, तो आप इसको नंबर फोर में यहाँ पे बना लेंगे। तो इस तरह से आपको ये पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, इनके नीचे या सामने भी आप कर सकते हो, और ये इस तरह से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लोगे। सो ये थी प्यारे बच्चों आपकी बहुत ही अच्छी कलरफुल सी वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को अब क्लियर है कि जो फेस होता है क्रॉस सेक्शन के बाद वो कैसे हम देख सकते हैं, कि फेस जो है क्रॉस सेक्शन के बाद कैसे दिखाई देता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।